नमस्कार साथियों, आज सत्याग्रह के सत्र में हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, हरियाणा से जुड़े हुए हैं प्रदीप हुड्डा जी। प्रदीप हुड्डा जी जो चौधरी चरण सिंह की का राजनीतिक दल जो उन्होंने बनाया था लोक दल, वो अभी भी उसको चला रहे हैं और हरियाणा के वो अध्यक्ष हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं जो अलीगढ़ में रहते हैं, और अभी इस किसान आंदोलन में भी प्रदीप हुड्डा जी की बहुत सक्रिय भागीदारी है। वो दिल्ली में लगातार आंदोलन में शामिल है और आज इस समय वो लखनऊ आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसान आंदोलन जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अच्छी तरह से चल रहा है और हजारों से लेके लाखों किसानों की रैलियां हो रही हैं जगह जगह, तो वो आंदोलन उस आंदोलन का विस्तार उत्तर प्रदेश के मध्य भाग यानी कि अवध और पूर्वांचल में भी हो, इस प्रयास को लेके प्रदीप हुड्डा जी उत्तर प्रदेश आए हुए हैं। तो प्रदीप भाई, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप आपकी जो पार्टी के जो संस्थापक हैं चौधरी चरण सिंह जी, पुराने लोग तो उनको जानते हैं, भारत के मेरे ख्याल से एकमात्र, उत्तर भारत के तो एकमात्र ऐसे राजनेता है जिन्हें किसान नेता के रूप में भी जाना जाता है जी। उनके बारे में थोड़ा सा उनकी पृष्ठभूमि बताएं और उसके साथ हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। मैं सभी साथियों का दिल से आभार करता हूं जो उन्होंने मुझे आज जोड़ा है, और जैसा कि आपने कहा चौधरी चरण सिंह के बारे में, चौधरी चरण सिंह उत्तर भारत के नहीं, पूरे भारत के ही सिर्फ किसान नेता नहीं, अकेले एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट रहे हैं। उन्होंने काफी अच्छे कार्य किए हैं खेती के लिए, और खेती तो महेंद्र सिंह टिकैत और काफी नेता रहे हरियाणा से, चौधरी छोटू राम रहे, चौधरी देवीलाल रहे, लेकिन जो कृषि अर्थशास्त्री कहें कि कृषि को कैसे बाजार से जोड़ा जाए और किसान की कैसे डेवलपमेंट हो, इस बारे में जो किया गया वो चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा किया गया। 1937 में चौधरी चरण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश में चुने गए थे, उस समय भारत आजाद नहीं था, तो एक गवर्नमेंट थी, कुछ आंशिक रूप से गवर्नमेंट अंग्रेजों के समय में दी गई थी, तो उस समय उन्होंने जमीन बचाने के लिए बिल बनाया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे नहीं माना था, कांग्रेस ने उसे खारिज कर दिया था, तो चौधरी छोटूराम जी ने उन्हें लाहौर बुलाया था पंजाब में, उस समय पंजाब की राजधानी लाहौर होती थी, तो पेशावर से लेकर और पलवल तक जितने भी लोग थे उनको उस भूमि सुधार कानून का बहुत फायदा मिला, और आज भी पूरे पंजाब प्रांत में, चाहे वो प्रांत पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, इन प्रांतों में जो महंतवाड़ी सिस्टम है, जो जमीन बचाने का काम किया गया, वो चौधरी चरण सिंह के बनाए हुए कानून द्वारा किया गया, जिसे चौधरी छोटूराम ने लागू किया। उसके बाद उन्होंने काफी अच्छे कार्य किए, उन्होंने किसानों को बहुत चेताया, किसानों के बीच में ही कार्य करते रहे, और शायद मैं कहूँ उत्तर भारत के अकेले प्रधानमंत्री थे जिनको किसान के रूप में जाना जाता, ना कि किसी जातिगत या पार्टी के रूप में। उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ किसान के और जनहितैषी नेता थे। तो आज भी हमें कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस हो रही है, जो दिल्ली के चारों तरफ हम बैठे हैं। आज किसान दोबारा से उसी जाल में फंस गया है जिस जाल से वो आजादी से पहले 1945 में भूमि सुधार आंदोलन से निकला था। आज कहीं ना कहीं वही कॉरपोरेट्स वापिस उस जमीन को हड़पने की साजिश में चल पड़े हैं जिससे उन्होंने पहले जमींदारी प्रथा से जमीन को बचाया था। आजादी से पहले इंग्लैंड के अंदर भी एक जो
सेशन हुआ था, जैसे आज वेबिनार हो रहा है वहां संसद में सेशन हुआ था, और उसी के रिगार्डिंग साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था कि यहाँ के लोगों की प्रवृत्ति जानने के बारे में। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हिंदुस्तान का जो किसान है, आज भी वो उनके उसमें लिखा हुआ है ड्राफ्टिंग में, ये एक एग्रीकल्चर ट्राइब है, वो आज भी हमें एग्रीकल्चर ट्राइब मानते हैं किसानों को। और उन्होंने कहा कि जब भी अंग्रेजों ने आंशिक रूप से सत्ता इनको दी और इनको मिली, तो इन्होंने सबसे पहला कानून जो बनाया था वो अपनी जमीन बचाने के लिए बनाया था। हमने जो भी कानून बनाया, चाहे 1920 में बनाया, उसके बाद 1956 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए, तो किसान ने सबसे पहले अपनी जमीन बचाने का कानून बचाया। तो आज कहीं ना कहीं परिस्थिति वैसी ही हो गई है कि आज फिर जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो किसान की जमीन छीनना चाह रहे हैं। तो किसान ने जो आज से 100 साल पहले जमीन नहीं दी, तो वही किसान आज जमीन कैसे देगा? और ये उसी का नतीजा है कि आज वो एग्रीकल्चर ट्राइब, जिसे हम ट्राइब कहते हैं और अंग्रेजों ने भी इसका व्याख्यान किया है, तो वो मुसीबत के समय इकट्ठे हो जाते हैं। हमारी जो नेचर है, किसान की नेचर जो कही गई, कबीलाई नेचर है, जब भी इनके ऊपर विपत्ति आती है तो ये सब एक साथ हो जाते हैं। तो आज जो ये इतना पंजाब से लेकर हरियाणा, पूरा उत्तर भारत, मैं कहूंगा अब तो पूरे भारत का किसान जग गया है, केरल से किसान आ रहा है, तेलंगाना से आ रहा है, कर्नाटक से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, तो ये किसान इकट्ठा हुआ है। तो ये किसान इस देश की लड़ाई लड़ रहा है, विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है, जनता की लड़ाई लड़ रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़ाई लड़ रहा है। जब ये आंदोलन शुरुआत हुई तो हम 3 काले कानून वापिस लेने के मुद्दे पर आए थे और MSP की गारंटी हम सरकार से मांग रहे थे, जो कि किसान को आज भी पूरे भारत में सिर्फ 6% किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। और सरकार आज भी कह रही है कि MSP थी, है और जारी रहेगी, लेकिन मिलती कितनों को है? सिर्फ 6% किसानों को। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे घर में कहा जाता है खाना है, खाना था और खाना रहेगा, लेकिन वो खाना खाया कितने लोगों ने, मिला कितनों को? तो ऐसे ही MSP थी, है, रहेगी नहीं, MSP मिल कितने लोगों को रही है? आज भी MSP सिर्फ 6% किसानों को मिल रही है। और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज किसान 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, फिर जो 1955 का जमाखोरी कानून था, एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट, उसके अंदर भी संशोधन करके इन्होंने जमाखोरी, कालाबाजारी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, जो किसान को अफेक्ट नहीं करता, ये आम जनता को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, खाना उनकी रेंज से बाहर हो जाएगा और उनके रसोई का बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद आते हैं आज हम तेल, डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई पे। ये एक विपक्ष का मुद्दा है, लेकिन इस विपक्ष के मुद्दे को भी आज कहीं ना कहीं किसान ही उठा रहा है। तो मैं ये कहूंगा संदीप भाई, किसान सिर्फ अपनी आवाज के लिए नहीं लड़ रहा, अपने हकों के लिए तो वो सिर्फ 5-10% लड़ रहा है, बाकी तो वो 90% देश के और आम जनता के हकों की लड़ाई लड़ रहा है। तो आज मैं चाहूंगा कि ये आंदोलन जो गांवों की जड़ों में पहुंच गया है, देश की जड़ों में पहुंच गया है, दिल्ली के चारों तरफ भी सभी किसान इसे सहयोग दें, और जो गांव में रह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं गांव में इसके बारे में जागरूकता फैलाएं और लोगों को सच्चाई बताएं। बाकी सभी और भाइयों से भी जुड़ना चाहूंगा, वो अपने अपने विचार रखें। जी, ये प्रदीप भाई, आपने ये जो व्याख्या की, नहीं, आपके अनुसार जो अंग्रेजों ने किसानों को एक ट्राइब बताया, एक कबीला बताया, ये एक बड़ी अनोखी बात आपने बताई यहाँ पे कि कबीले का चरित्र होता है कि जब वो उसके ऊपर कोई संकट आता है तो वो एक हो जाता है। तो इसी तरह से किसान एक हो गया है। और कल मैंने मैं करण थापर और अरुण शौरी का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें अरुण शौरी ये बता रहे थे कि पंजाबी लोगों की ये फितरत होती है कि वो जो है, एक बार उन्होंने कुछ कह दिया
तो वो फिर पीछे नहीं हटते, और वो कह रहे थे कि ये जो मोदी और शाह है, ये तो सरकार जो चला रहे हैं ये सिर्फ पैसे के बल पे चला रहे हैं और पैसे से ही लोगों को खरीदना जानते हैं, लेकिन पंजाबी आदमी को वो पैसे से नहीं खरीद सकते, वो अपना सब कुछ लुटा देगा लेकिन वो जो है अपनी अपनी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। तो ये दो बड़ी अनोखी बातें आ गई हैं इस आंदोलन में, एक तो जो पंजाबी लोगों का चरित्र है और दूसरा जो ये किसान को आपने जो एक कबीले का जो बताया चरित्र उसका, कि कबीला जो है पूरा एक हो जाता है। तो क्या आपको, अब हमारे हरिंदर मनसाइया जी भी जुड़ गए हैं मानसा से, सोशलिस्ट पार्टी पंजाब के अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है, कई लोग कह रहे हैं मोदी सरकार तो ये कानून वापस नहीं लेगी, ऐसा हमें कई लोग कहते हैं कि ये तो सरकार मानने वाली नहीं है, तोमर ने भी कह दिया है, मोदी ने भी कह दिया कि कानून तो वापस नहीं होगा, संशोधन भले ही उस पे विचार कर लिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होने वाला है और किसान आखिर कब तक वहां पे बैठा रहेगा और ये उसको इस लड़ाई को कितना खींच पाएगा? मैं चाहूंगा कि आप भी बताएं और उसके बाद हरिंदर मनसाइया जी भी इस बात पे अपनी टिप्पणी करें। पहले प्रदीप हुड्डा जी। जी संदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, अगर इसके बारे में जानना भी हो जो ट्राइब है, तो ये गजेटियर लिखते थे पहले, आपको याद होगा, आप बंद हो गए हैं वो 80s के बाद, तो अंग्रेजों के गजेटियर में भी लिखा हुआ है ये सारी बातें। और उसके बाद अब हम आते हैं कि क्यों नहीं वापिस होंगे। देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की आवाज होती है, जो किसान को चाहिए ही नहीं तो सरकार कभी भी उस पर थोप नहीं सकती। अगर सरकार थोपने की कोशिश करेगी तो वो तानाशाह होगी, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका एक उदाहरण आपने अपने जीवन काल में देखा, जब कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था तो भी पब्लिक सड़क पर आ गई थी। तो अगर ऐसी आपात की कोई स्थिति आती है तो पब्लिक सड़क पर वैसे ही आ चुकी है, आपात की स्थिति है ही जी। लेकिन कानून वापिस होंगे, क्योंकि दोनों ही चीजें, एक तो आपने बताया कि जो पंजाबियों का जज्बा है, उनकी जो सोच है, और दूसरी बात जो आपने कही, ये जो हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर ट्राइब, जो इनकी नेचर है, और सबसे बड़ी चीज जो इनको है कि आदमी जिस चीज के लिए सोचता है, जैसे कोई आदमी ईमानदारी के लिए सोचता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो उसके ऊपर रहेगा। तो ऐसे ही जो इस एग्रीकल्चर ट्राइब कम्युनिटी की जो सोच है, वो सबसे ज्यादा ये अपनी जमीन से प्यार करते हैं। अगर शायद कोई और बिल होता तो ये शायद समझौता कर लेते, लेकिन इनकी सबसे जो दिल को छूने वाली चीज है, ये उस जमीन को अपनी माँ समझते हैं और उसी से कहीं ना कहीं आज भी देश चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये पीछे हटेंगे, हो सकता है समय लग जाए, सरकार रहे ना रहे, लेकिन ये देश रहा है और ये कानून ये वापिस करवा के ही रहे। जी जी, हरिंदर मनसाइया जी आप क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं सरकार तो कानून वापस नहीं लेगी, किसान क्या करेंगे? देखो, बड़ा लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब लोग, पहले पंजाब की सी, ते अब हरियाणा, यूपी और सभी सारे भारत की लड़ाई होगी। तो पंजाब में तो हमने देख लिया, अभी नकाए इलेक्शन चल के हटी है, बीजेपी के किसी भी तरह के बूथ या इनको दफ्तर नहीं खोलने दिए पंजाब में। इसके बाद मिजोरम में आ जा रहे थे, मिजोरम में भी इनकी बुरी तरह हार हुई है। तो बीजेपी को इस तरह का या सेंट्रल सरकार को इन बिलों को वापस लेना ही होगा। जे पंजाब में अब देख रहे हैं कि हमने आज भगत सिंह के चाचा थे जो अजीत सिंह, उनका दिन मनाया गया, पगड़ी संभाल जट्टा। सो बड़िया बड़िया रैलियां हो रही हैं आज पंजाब में, जो लखा सदाना ग्रुप सी नौजवान, जिसके लिए उसके पीछे थे 50,000 से ज्यादा नौजवान इकट्ठे हुए। सो इस तरह लगता है कि सारे वर्ग, चाहे वो सीनियर लीडर है, चाहे कम्युनिस्ट है, चाहे
सिख हैं चाहे कोई भी फिलोसफी हो उनकी, सभी लोग इन बिलों को लिए लड़ रहे हैं, तो सभी लोग ये है कि जब तक ये वापस नहीं होंगे हम उठेंगे नहीं। तो लड़ाई लंबी है, पर ये निर्णय है सभी लोगों का कि इसको इन्हों वापस लेना होगा और उससे से पहले हम नहीं जहां से उठेंगे। जी जी ठीक है। मैं हमारे नौजवान साथी हैं राहुल सिंह राणा। राहुल भाई आपको क्या लग रहा है, जैसे ये जो अपने प्रदीप भाई हैं ये और हरिंदर मनसाइया, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, एक हरियाणा के लोकदल के अध्यक्ष हैं, दूसरे सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के अध्यक्ष हैं पंजाब के, लेकिन जो कॉमन पंजाबी है, जो मिडिल क्लास पंजाबी है, उसको क्या लग रहा है, ये सरकार अगर ये कानून वापस नहीं लेगी तो ये किसान आंदोलन कितना खिंचेगा, इसका क्या भविष्य आप देख रहे हैं? सर मुझे लगता है कि जितना मैं वहां पे जाके आया हूँ, लोगों से मिलके आया हूँ, लोगों से बात करके आया हूँ, सो लोग तो बहुत एडमेंट हैं इस बात के लिए कि बिल की वापसी ही फाइनल कंक्लूजन होगा। बट मैं एक और बात देख रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन के आ रहा है इससे, क्योंकि जो बीजेपी को डिसएडवांटेज है पंजाब और हरियाणा को मिला के लोकसभा के पर्सपेक्टिव से, वो कहीं ना कहीं उनको दिखता है कि वो बहुत मिनिमल है उनके टोटल टैली में। जब तक ये पूरा आंदोलन पैन इंडिया लेवल पे, जैसे अब वेस्टर्न यूपी में बहुत जगह बड़ी बड़ी महापंचायत हो रही है और भी इंडिया में बहुत जगह जगह हो रही है, जब उनको कैलकुलेटिव दिखेगा कि राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, बिहार में, वेस्ट बंगाल तक में, जब उनको दिखेगा कि पॉलिटिकली ये उनके लिए रॉन्ग टर्न होता जा रहा है, तो मेरे ख्याल से तब सरकार पूरी तरह बैकफुट पे आ जाएगी। बट एज फार एज मैं अगर इसकी बात करूं तो लोगों में एटलीस्ट ये दिखता है कि भाई ये काले कानून है, इनको वापस लेना है, इनका लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से कहीं ना कहीं फार्मिंग इनकम पे फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं इनपे जो प्राइसेस ऑलरेडी नहीं मिल रहे हैं वो प्राइसेस डाउन भी जा सकते हैं अगर हम ओपन मार्केट में फार्मर्स को छोड़ दें तो ये एक पर्सपेक्टिव तो है ही है। बट पॉलिटिकली ये कितना रन करेगा, कितना पॉलिटिकल डिस्कोर्स इसका क्या होगा, वो स्टिल एक क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है। जी जी। और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी ने भले ही पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन में उसकी करारी हार हुई है, लेकिन आज देखिए कल पुडुचेरी की सरकार गिर गई कांग्रेस की, और शायद वहां बीजेपी जोड़ तोड़ के सरकार बना लेगी AIDMK के साथ। और दूसरा बंगाल में इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो अभी इस आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पे प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। पंजाब हरियाणा में जरूर लोगों को सफलता मिल गई है कि वहां खट्टर साहब की सभा नहीं हो पा रही है हरियाणा में, पंजाब में लोकल बॉडीज में हार गई बीजेपी बुरी तरह, उनके कैंडिडेट्स नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पाए, लेकिन आपकी बात सही है कि पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की कुल मिला के जो लोकसभा की सीटें हैं वो इतनी नहीं है कि वो बीजेपी को कोई चुनावी खतरा नजर आ रहा हो। तो ऐसे में प्रदीप हुड्डा साहब आंदोलन की आगे की रणनीति, उस तरह से किसान उत्साहित नहीं है आंदोलन को लेके जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति है, बिहार में भी कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है, तो ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे कैसे फैलेगा, कैसे ये लोग इसके साथ इस पैमाने पे जुड़ जाए कि बीजेपी को अपनी सत्ता जाने का खतरा दिखने लगे? देखिए संदीप भाई, इस आंदोलन की जो खूबी है वो इसका ठहराव है। हमारे किसान भाइयों ने जो संयम दिखाया है, मैं तो उनके धैर्य की दाद दूंगा। हरियाणा वासियों में इतना धैर्य नहीं है जितना पंजाब वाले भाइयों ने दिखाया है। उन्होंने हमें धैर्य सिखाया है, अहिंसात्मक होना सिखाया है, और ऐसा नहीं कि अब ये बढ़ नहीं रहा है। आप और मैंने आज भी एक सभा की है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और कल हम भरावन भी आपके साथ ही गए थे परसों, और अभी वाराणसी में भी कर रहे हैं।
तो ऐसे ही जैसे मैं इस आंदोलन का एक बड़ा सूक्ष्म रूप हूं, छोटा सा एक सिपाही हूं, ऐसे ही बहुत से लोग अपने अपना फर्ज समझते हुए कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पहुंच रहे हैं। और ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी इतनी ज्यादा सीटों का प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन फिर भी देखें तो आज हरियाणा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और सबसे बड़ा फर्क पड़ता है उत्तर प्रदेश में। आज ये किसान आंदोलन की जागृति पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। आज आपने उन जो बलिया से साथी आए थे उनसे मेरी मुलाकात कराई, वो भी दिल्ली तक होके आ रहे हैं, बिहार में भी चल रही हैं बातें, मध्य प्रदेश में भी हैं, राजस्थान में भी हैं। और अगर ये उत्तर भारत के जितने भी स्टेट हैं, बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें गुजरात के बाद देखते हैं तो यहीं पे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश इनके हाथ से चला गया, 2022 में चुनाव है, पंजाब और हरियाणा तो जा ही चुका है, अब 2022 चुनाव उत्तर प्रदेश में है, ये भी शत प्रतिशत आप लिखवा लीजिए ये भाई इनके हाथ से जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं विपक्ष में एक बिखराव है। आज भी लोग, जहां हम सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी इसी बात का फायदा उठा रही है, वो विपक्ष के बारे में बात ही नहीं करती है। वो जब भी कहेगी कि ये आंदोलन कांग्रेस का है, ये आंदोलन कांग्रेस का है, कांग्रेस ये करवा रही है। आज सरकार कांग्रेस के अलावा किसी का भी नाम नहीं ले रही है, क्योंकि वो चाह रही है कि सिर्फ कांग्रेस को वो बैक कर ले और लोगों की एक भावना ऐसी बना दे, लोगों की मानसिक स्थिति से वो खेल रही है कि लोगों के अंदर ऐसी भावना भर दे कि या तो कांग्रेस ऑप्शन है या बीजेपी। जिनको कांग्रेस चुननी है वो कांग्रेस चुन लो, नहीं तो तुम्हारे पास ऑप्शन बीजेपी है। आज भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं चाहता। इवन 2019 में हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को 36% वोट वो मिला था जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में गिरा था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जाके उनकी गोद में बैठ गए और उनने अलायंस कर लिया। तो लोगों में आक्रोश तो है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता का फायदा भारतीय जनता पार्टी पूरा उठा रही। अभी आपने बंगाल की बात कही कि बंगाल में टीएमसी के जो विधायक, सांसद, कार्यकर्ता टूट टूट के बीजेपी में जा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण ही यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये दिखा रही है कि हम आपको सांसद बना देंगे, हम आपको विधायक बना देंगे। आज हरियाणा में जो 10 सांसद टूट के नहीं जा रहे हैं, उनका कारण यही है कि वो नेता नहीं है, वो सिर्फ एक पद की लालसा में सांसद की कमल के फूल से मोदी के नाम पर वोट मांगा और लोगों में ये भ्रामक प्रचार किया गया कि आप सांसद को मत देखिए, आपका वोट सीधा मोदी को जा रहा है। तो लोगों की मानसिकता पर इतना मीडिया के द्वारा प्रभाव डाला गया, सिर्फ मोदी 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 उन्होंने कर दिया और उन सांसदों को निष्क्रिय कर दिया जो नेता हमारी बात संसद में रखते थे। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की, जिसकी संसद सबसे बड़ा मंदिर है, उसकी गरिमा को आज तक इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया जितना नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया। वहां उन्होंने ऐसे लोग ले आए जो सिर्फ मोदी की बात रखते हैं, जबकि होता उल्टा है। लोकतंत्र में उनका फर्ज है वो लोगों की बात रखें। हरियाणा और पंजाब के सांसद, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे उत्तर प्रदेश के देखिए, उन्होंने किसानों की कोई बात नहीं रखी। और अभी पिछले 2 दिन से संजीव बाल्यान जो मंत्री हैं भारत सरकार में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका लोग विरोध कर रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि वो मोदी के द्वारा बताए हुए कानून उनको समझाने आ रहे हैं, ना कि उनसे उनकी समस्या पूछ रहे हैं कि आप हमें समस्या बताइए, मैं आपकी बात संसद में रखूंगा। तो ये एक बड़ा ही गलत प्रचार है कि जो आवाज लोगों की संसद में जानी चाहिए, उससे उल्टे कॉरपोरेट कल्चर चल रहा है। ये सिर्फ कॉरपोरेट्स का कल्चर होता है कि जब आप एक कंपनी चलाते हो तो आप एम्प्लॉयज को गाइड करते हो। यहाँ कोई कंपनी नहीं, ये देश चल रहा है और देश में, लोकतंत्र में, जनतंत्र में लोगों की आवाज होती है। आज ये नहीं उठाएंगे तो अगली बार लोग इनको बदल देंगे। हाँ, मैं आपसे एक बात से सहमत हूं, इस देश में कहीं ना कहीं नेताओं का अभाव है। आज हमें सांसद विधायक तो मिल रहे हैं,
हाँ, जो भी सांसद बनना चाह रहा है वो तुरंत बीजेपी दिखाती है कि हम आपको कमल के फूल पर जिता देंगे, और वो उनके पास चला जा रहा। तो मैंने संयुक्त किसान मोर्चा के समक्ष भी ये बात रखी थी, आंदोलन लंबा चल रहा है तो क्यों ना, ये आंदोलन तो किसानों का है, इस आंदोलन के दौरान जितने भी यूथ युवा बच्चे जुड़ रहे हैं आंदोलन में, आज वो वहां बैठे हैं, उनकी एनर्जी को हम डिस्ट्रैक्ट ना करते हुए प्रॉपर यूटिलाइज करें। तो मैंने किसान मोर्चे को कहा कि यहाँ जितना यूथ है इनको चार चार यूथ को एक एक गाड़ी देकर ऐसी 100-150 गाड़ियां बनाई जाए, उसमें एक बुजुर्ग उनके साथ किया जाए और हरेक की एक जिले में ड्यूटी लगाई जाए। अगर ये आंदोलन लंबा चलता है, और जो अक्टूबर सितंबर तक आपने कहा कि अभी नरेंद्र तोमर जी मानने वाले नहीं है, मोदी मानने वाला नहीं है, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर 2-3 महीने चला तो वो जो लोग जाएंगे, जो 500-700 हजार लोग जाएंगे, वो युवा हैं, वो इस देश का भविष्य तय करेंगे, हम उन्हें तैयार कर सकते हैं। ऐसे आंदोलनों से ही नेता निकलते हैं, नेताओं की कहीं स्कूल कॉलेज में शिक्षा नहीं होती, ये आंदोलन सिखा रहा है कैसे लोगों की बात रखनी है, कैसे किसानों की बात रखनी है, कैसे जनता की बात रखनी है। और जब वो एक अनुभवी व्यक्ति उनके साथ होगा और जिलों में जाएंगे तो दो फायदे होंगे, आंदोलन भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, और कहीं ना कहीं हम इस जाने अनजाने देश के भविष्य का भी निर्माण कर पाएंगे। जी संदीप जी, जी आपने एक बीच में फिर एक मजेदार बात कह दी, आज मुझे आपसे कई जो है अच्छे वो मिल रहे हैं हिंट्स। आपने कहा कि ये बीजेपी के नेता जो है ये जाते हैं समझाने के लिए, ये उनकी बात संसद में नहीं रखना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो भारतीय जनता पार्टी नाम की चीज है, ये कोई राजनीतिक दल है या ये क्या है, इसका चरित्र क्या है, ये कोई प्राइवेट कंपनी है जिसके सीईओ नरेंद्र मोदी है और अमित शाह उनके असिस्टेंट हैं और ये सब बाकी सब जो है मार्केटिंग एजेंट बने हुए हैं जो अपनी कंपनी का प्रचार करने जाते हैं, और ये हमारे बीच में ये मनोज ठाकुर जी जुड़े हुए हैं कलकत्ता से, ये BSNL में काम करते हैं, इनको BSNL से निकाल दिया गया है और BSNL को बेचने की तैयारी हो रही है। ये पूरा बजट आप उठा के देख लें तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई मंडी सरकार ने लगा दी है जिसमें वो अपनी सारी बैंकों को, और BSNL है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एयर इंडिया है, सब कुछ बेचना चाह रही है। ये तो इस तरह की तो कोई सरकार ही नहीं देखी पहले, मतलब ये ठीक है कि नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, नरसिम्हा राव की सरकार में ये शुरुआत हुई थी, निजीकरण वैश्वीकरण उदारीकरण की नीतियों की, लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमने देखा कि उन्होंने भी यही नव साम्राज्यवादी नीतियां चलाई, लेकिन कम से कम उन्होंने नरेगा, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा कानून, रेड़ी पटरी वालों के लिए कानून, जो नाली में उतर के साफ करते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स, उनके लिए कानून, कई ऐसे भी कानून बनाए जिससे आम लोगों को भी फायदा हुआ, आदिवासियों के लिए वन के अंदर जमीन अधिकार का कानून उन्होंने बनाया। लेकिन ये सरकार तो ऐसी है कि ये तो लग रहा है कि पूरा देश ही बेच देना चाहती है। तो मुझे जरा बताइए आप और हरिंदर मनसाइया जी की ये बीजेपी है क्या, ये राजनीतिक दल है कि ये कुछ और है? प्रदीप हुड्डा जी पहले और फिर हरिंदर मनसाइया। जी बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने, भारतीय जनता पार्टी तो एक पार्टी ही थी, वो लोगों की पार्टी थी, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उसे खरीद लिया है, उसे एक कंपनी बना दिया है, आज जो उसके सीईओ हैं, और मेन भी सीईओ ये नहीं है, कहीं ना कहीं इनके दो और चहेते हैं जो अडानी अंबानी हैं, उनको कर रहे हैं, वो भी इनके पीछे हैं, वो उनको एक लालसा हो गई है जो कॉरपोरेट जगत में सभी को होती है। आप देखेंगे फोर्ब्स पत्रिका में सबसे रईस बनने की एक चाहत होती है, इंसान के अंदर एक पैसे की चाहत होती है, एक नाम की चाहत होती है, तो वो चाहते हैं कि हम अमेजन और इन सभी बिल गेट्स और इन सब को जोड़कर हम सबसे बड़े रईस बन जाएं। वो अपनी दौड़ में चल रहे हैं और उनको देश की चिंता नहीं है क्योंकि वो तो कॉरपोरेट है। लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये बात सोचनी चाहिए, और मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि वो तो नहीं सोचेंगे,
आज सबसे बड़ा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी आन पड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आन पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के जो द्वितीय पंक्ति के नेता हैं, जिनको कहूं मैं, आडवाणी जी को आज द्वितीय पंक्ति में डाल दिया इन्होंने, या राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी हैं, काफी मंत्री हैं, नरेंद्र तोमर भी एक सिर्फ जो मोदी जी बोलते हैं वही बात रखते हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है कि वो अपना निर्णय भी ले सके। तो आज मैं ये भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा कि वो इस्तीफों का दौर शुरू करें। जो संजीव बाल्यान जी हैं उनको सोचना चाहिए कि उनका जीवन इन लोगों पर आधारित है और लोगों के लिए है, वो लोगों के चुने हुए नेता हैं, और उनको मोदी की बात ना सुनते हुए लोगों के हित में इस्तीफा देना चाहिए। पिछले 2-3 दिन में वो देख भी चुके हैं, जान चुके हैं लोगों का मन, तो कहीं ना कहीं ये कॉरपोरेट कल्चर खत्म होगा। हाँ, हो सकता है हमें समय लगे, लेकिन आपका अनुभव मेरे से काफी ज्यादा है संदीप जी, और आप जानते हैं जीत आखिर में सच्चाई की ही होती है। ये बात तो आपकी सही है, इससे मैं सहमत हूँ। हरिंदर मनसाहिया जी, ये भारतीय जनता पार्टी है क्या? ये राजनीतिक दल है कि क्या है ये? देखो संदीप भाई और प्रदीप हुड्डा जी, बड़ी अच्छी बात लगी हरदीप प्रदीप हुड्डा जी की मुझे, पहली बार आज इनसे मिलने का मौका मिला, तो अच्छी बातें कर रहे हैं ये। देखो पहले हमारे जो नेता होते थे ना, ये हमारे पंजाब में भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखिए तो एक कामरेड होते थे बूटा सिंह, वो MLA रहे 2 बार और साइकिल पे चलते, और इतना जो ब्लू स्टार के बाद भी वो उनको गनमैन मिले और वो भी साइकिल पे चलते, आप भी साइकिल पे चले जाते। सो जब से ये गाड़ी कल्चर हो गया, एक पायलट आगे लगी है एक पायलट पीछे लगी है, तो अपने आप को ये राजे समझने लग गए। कोई MLA है, कोई MP है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी इनके साथ चलती है। सो इसका फायदा उठाकर जितने बड़े घराने सी, अभी कोई गरीब या आम लोगों से नहीं बनता MLA MP, ये तो बड़े एक गुंडा ग्रोह पैदा हो गए। जैसे रब जी कहा करते सी पंजाब में, हमारे सोशलिस्ट लीडर सी, कि आज मैं इनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहूंगा, ये बड़े ग्रोह हैं, जितने बड़े ग्रोह हैं उतने इनके चल रहे हैं, इनके साथ साथी हैं। जो पहले देखा कांग्रेस में 165 MP जो आज BJP में बैठे हैं, BJP के MP चुने हुए हैं, पहले कांग्रेस में थे। सो जब देखते हैं सत्ता बदलती है तो उस तरफ हो जाते हैं। सो ये इसको कंपनी कहेंगे अपना भी, ये कंपनी की तरह चल रहे हैं, अबानी अडानी बैठे हैं, और भी परिवार हैं, बड़े परिवार हैं जो उद्योगपति हैं, वो इनको चला रहे हैं। और एक बात जरूर है कि अब ये तानाशाही पर उतर आए हैं, अगर हमारी बात मानो, हमारे साथ रल जाओ। कोई ऐसे नहीं कि भाई वो MLA MP इनके साथ वैसे रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, वो ईमानदारी नहीं है, वो उनको डराते हैं कि आपके ED पक का हमला करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्रिमिनल लोग हैं, पॉलिटिक्स में बड़ा लंबे समय से देख रहे हैं, उनको डरा धमका कर अपने साथ इन्होंने मिला लिया है। और देख रहे हैं कि ये देश बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। जैसे हुड्डा जी ने कहा कि हमें नौजवानों को आगे ले आना होगा, ये देश को बचाना है। और दूसरी बात कहता, जैसे जिस स्टेट में इलेक्शन है, बंगाल में आपने बोला कि वहां कोई लगता नहीं है कि इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा है, वहां भी हमें एक तो लिटरेचर, पंजाब में जैसे पहले शुरू हुआ था ना आंदोलन, तो हमारे बुद्धिजीवी या लेखक सी, उन्होंने लिटरेचर बनाया, इसकी समझ लोगों में करी, छोटे सेमिनार कराए, गोष्ठियां कराइयां, किसान आगुओं को बुलाया, पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया भी इस तरह हो रहा है, लोगों को पता लगा इस बात का। सो लोग सोचने लगे, उन्होंने जाके किसान यूनियन के 32 ग्रुप सी, उन्होंने जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात की, उसके बाद गांव में इकाइयां बनिया उसमें बात की, तो इस तरह ये आंदोलन शुरू हुआ। इसी तरह हमें बंगाल में, बंगाली भाषा में हमें
वहां लिटरेचर छपाना होगा कि जे इस तरह हो रहा है, ये सारा देश लगा हुआ है, कोई पंजाब के या हरियाणा के या यूपी के लोगों का मसला नहीं, आपकी रोटी का मसला है। अब पेट्रोल 100 रुपये हो गया तो देखो कल को कनक और चावल है जो आज अब 20 रुपये मिल रहा है वो भी 100 से ऊपर मिलेगा। जब हमारे पेट पे बात आएगी ना तो सभी लोगों को पता चलेगा कि ये कानून क्या है। तो उन लोगों को उनकी भाषा में समझाना होगा, बंगाल में लिटरेचर छपाया जावे, बंगाल में जाया जावे, वहां भी कोई बड़ी पंचायत महापंचायत होवे, उन लोगों को पता लगे इस बात का। सो यही जैसे बहुभाषी देश है इंडिया, वहां की भाषा में जो मातृभाषा वहां का लिटरेचर में इसको भेजना चाहिए। अच्छा आपको बता दें मनसाइया जी कि 14 मार्च को कलकत्ता में बंगाल चुनाव को लेकर सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग है, तो अगर आप हाँ वो अपने आज सागरिका बैनर्जी का फोन आया था तो आप आना चाहें तो आ सकते हैं। आप मैं चाहूंगा कि अब इस बहस को थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ मोड़ूंगा और मैं लुबना सरवत अगर वो मौजूद है तो मैं चाहूंगा कि लुबना हमें ये बताएं कि अभी ये दिख रहा है सबको कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये उस तरह की पार्टी नहीं है जिसमें कोई एक विचारधारा है और लोग उसके प्रति कमिटेड हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये एक एक जैसा हरिंदर मनसाइया जी ने तो उनको गिरोह कह दिया कि वो एक ऐसा गिरोह है जिसके पास बहुत पैसा है, वो पैसों से विधायक को सांसद को वो खरीद सकते हैं, दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिरा सकते हैं, इलेक्शन के समय में इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं कि लोगों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार नजर आता है और कहीं न कहीं लोग धोखे में उनको सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक उनका दूसरा पहलू भी है कम्युनल पॉलिटिक्स का। तो लुबना जी ये बताइए कि इज द कम्युनल पॉलिटिक्स अ शील्ड फॉर न्यू लिबरल पॉलिसीज और वेदर द न्यू लिबरल पॉलिसीज आर अ शील्ड फॉर कम्युनल पॉलिटिक्स, व्हाट इज द रियलिटी लुबना? लुबना आप हैं कि नहीं? अच्छा चलिए लुबना जब तक आती है अगर कोई और इसका जवाब देना चाहे, प्रवीण श्रीवास्तव जी, राहुल, हरिंदर मनसाइया जी, प्रदीप जी, ये इसका एक जो दूसरा पहलू है जो इन्होंने ये सांप्रदायिक राजनीति की है इस देश के अंदर, फिरका परस्ती वाली जो राजनीति की है, तो क्या ये जो है जो इनका जो एजेंडा है कॉरपोरेट को पूंजीपतियों को सपोर्ट करने का उसको ढकने के लिए है या ये अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स को मतलब किस चीज से किसको ढक रहे हैं, अपने अपने जो जो इनकी पूंजीवादी नीतियां हैं उसको ये अपनी सांप्रदायिक राजनीति से ढकते हैं या सांप्रदायिक राजनीति से अब ये को ये अपनी पूंजीवादी राजनीति से ढकते हैं, क्या लगता है आपको? या दोनों का इस्तेमाल ये बखूबी कर रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए? सर मुझे लगता है कि इसका जो कम्युनल एंगल है वो हमेशा से रहा है बीजेपी की पॉलिटिक्स में। अगर आप बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से देखें, उससे पहले भी उनका व्यू पॉइंट देखें तो देवर वेरी क्लियर के एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। इवन आरएसएस जिसकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे बीजेपी आई है वो भी इस बात को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं उनकी कम्युनल पॉलिटिक्स हमेशा से थी। हुआ क्या है कि जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह फोरफ्रंट पे आए हैं तो ये बहुत ओपनली ये प्रोपगेट होने लग पड़ा है, इनका एजेंडा बहुत क्लियर है और ये एजेंडा को चला तो रहे हैं पर उसके साथ साथ इनको फंड्स चाहिए और फंड्स जो है वो कॉरपोरेट इनको बेतहाशा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की प्रोबेबली गुजरात के टाइम से, अदानी और अंबानी दोनों गुजराती हैं वो भी, क्योंकि तो उनकी आपस में काफी बनती है। उनके जैसे आपने पहले ही बताया था कि एक बार वो उनके प्लेन से जब पीएम की ओथ लेने आ रहे थे तो अदानी के प्लेन से आ रहे थे, तो मतलब एक प्राइवेट कंपनी के प्लेन से आप आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके आए, वो सब कुछ है कि कॉर्पोरेट जो है वो फंड्स देती रहे और कॉर्पोरेट का जब काम होता रहेगा सो इट इज लाइक अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कि आप हमें दो हम अपना एजेंडा आगे चलाते रहेंगे, आप हमें देंगे हम आपको सुरक्षित तो रखेंगे पर हम अपना एजेंडा भी फुली चलाएंगे।
जी, ठीक है। प्रवीण भाई ने कमेंट डाला, प्रवीण जी आप कह दीजिए अपनी बात को। जी, मुझे लगता है कि ये मतलब धर्म और सत्ता का तो हमेशा ही गठजोड़ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये तो डेमोक्रेसी तो एक नया फिनोमेना है, 100-200 साल पुराना है कह सकते हैं। तो ये तो हमेशा ही रहा ही है कि मतलब धर्म की आड़ में सत्ता और सत्ता की आड़ में धर्म की राजनीति खेलने का। तो वो चीज अब बिल्कुल खुल के आ गई, और कारपोरेट भी उसमें शामिल है। तो कारपोरेट भी एक तरीके से सत्ता का ही एक पार्ट है, उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। तो क्योंकि ज्यादातर जनता तो धार्मिक है, तो वोट लेने की पॉलिटिक्स तो उसी तरीके से की जा सकती है। वहां पे तो कारपोरेट अपना एजेंडा खुल के नहीं खेल सकता है। तो वोट पाने के लिए इनकी जो हिंदुत्व की राजनीति है उसके सहारे ये आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी पावर के लिए जो मनी की जरूरत है वो कारपोरेट से इनको मिल रहा है। तो मूल चरित्र तो इनका मतलब वही है कि सत्ता में रहना है, और धर्म का भी वो इस्तेमाल जो पॉलिटिकली जो इस्तेमाल है उसे, वो जो भी उनकी विचारधारा है उसमें बहुत सारी बातें ये ऐसी भी कहते हैं जो कि कभी वास्तविक रूप से नहीं प्रैक्टिस में है, वो केवल दिखावे वाली बातें ज्यादा हैं। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा है कि मध्य प्रदेश की पाठ्यपुस्तकों से इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को का या वो हिस्ट्री भी निकाल दी है। तो अच्छा हाँ, मतलब वो जो जो रिलीजन पास्ट में जिन्होंने हिंदू धर्म के जो कुरीतियों के खिलाफ खड़े हुए थे, वो धीमे धीमे उसको भी मतलब, तो एक अलग एजेंडा तो चल ही रहा है पैरेलल में, कि मतलब पूरी तरीके से मोनोपोली स्थापित करना और उसमें इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ करना है। और एक बात जो आपने कही थी अरुण शौरी जी का इंटरव्यू वाली बात, तो उसमें मुझे एक चीज, एक इंटरव्यू में मुझे एक बात और याद आ रही है। तो उन्होंने कहा था कि पंजाबी जिस बात से सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, जब उनको कोई देशद्रोही कह दे, तो ये जिस आंदोलन में जो सबसे ज्यादा नाराज हैं खासतौर से पंजाबी, या वो कि मतलब उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, जबकि वो सेना में बहुत आयत में है, जाट लोग भी सेना में बहुत ज्यादा हैं, और इस बात से भी मुझे लगता है एक नाराजगी का बहुत बड़ा कारण है। जी, ये मैं कल जो इंटरव्यू देख रहा था, इंटरव्यू तो पुराना था लेकिन मैंने कल देखा, करण थापर बता रहे थे कि गुजरात की तुलना में पंजाब से कम 10 गुना ज्यादा लोग सेना में जाते हैं और हरियाणा में 9 गुना ज्यादा लोग जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि पंजाबी परिवारों में लोग, हर एक परिवार में शायद कोई ना कोई सेना में है और लोग शहीद भी हुए हैं, और वो इस बात में काफी गर्व महसूस करते हैं कि वो देश की रक्षा करते हैं। और अगर ऐसे परिवारों को जिसके लोग सेना में हैं, अगर आप ये कहेंगे कि वो देशद्रोही हैं या खालिस्तानी हैं, तो ये वाकई में बड़े अपमान की बात है उनके लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ पूर्व सैनिक अपने यूनिफॉर्म में किसान आंदोलन में शामिल हो गए। जी, तो ये जो बात है कम्युनल पॉलिटिक्स वाली, ये तो प्रवीण जी ने सही कही कि ये दोनों का इस्तेमाल करते रहते हैं जब इनको जैसा मौका मिलता है। लेकिन इधर प्रदीप जी, मैं देख रहा हूं कि एक जो फायदा हुआ है किसान आंदोलन का, वो ये हुआ है कि जो बीजेपी की जो पूरी, हालांकि बीजेपी कहती है कि हम जातिवादी राजनीति के खिलाफ हैं, लेकिन वो तो ले आए धर्मवादी राजनीति। मतलब कुछ नेता है जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, बीजेपी वाले धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, और बीजेपी वाले भी जाति छोड़ते नहीं है, वो भी जाति के समीकरण बैठाते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे पिछले चुनाव में ये कहा गया कि दो दो को छोड़ सबका साथ, यानी कि जो समाजवादी पार्टी के साथ यादव है और जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जो दलित है, जी उसमें भी जो जो मायावती जी की जो जाति है जाटव, तो जी वो उनको छोड़ के हम बाकी सारी जातियों का साथ ले लें। तो ये खुल के इन्होंने जातिवादी राजनीति भी की है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जी मैं देख रहा हूं कि किसान आंदोलन से एक जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है, जैसा आपने भी कहा, कि उसकी पहचान सिर्फ किसान की है। चौधरी चरण सिंह की पहचान सिर्फ किसान की है, उनको उनकी जाति से नहीं जाना जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश के बाकी नेताओं को उनकी जाति से जाना जाता है।
तो इस किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि इसने जाति धर्म पे इस देश की जो चलने वाली राजनीति है उसको कहीं हवा में उड़ा दिया है, और किसान एक एक प्राथमिक पहचान के रूप में वो उभर के आया है, और वहां पे हर एक किसान छोटा बड़ा बल्कि मजदूर भी जिसके पास जमीन नहीं भी है वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। तो बिना वर्ग, बिना जाति, बिना धर्म और बिना लिंग का कोई भेदभाव किए हुए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी वहां शामिल है। महिलाएं क्या, मैं तो आज अखबार में पढ़ रहा था कि एक परिवार 26 नवंबर से वहां बैठा हुआ है जिसमें एक 4 साल का बच्चा है और एक 3 साल की बच्ची, और वो बेचारे इस बात से ही परेशान है कि कहीं उनके बच्चे बीमार ना पड़ जाएं जो रात को मच्छर वच्छर काटते हैं। तो वहां पे महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। तो बिना किसी भेदभाव के अपनी प्राथमिक पहचान किसान की बनाते हुए जो लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, और ये आंदोलन इतना व्यापक हो गया है कि इससे इस देश में आम तौर पे जो राजनीति होती है जाति और धर्म पे वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो गई है, हाशिए पे पहुंच गई है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने जो सफलता प्राप्त की थी दंगों के बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, वो भी खत्म हो गया है, और वहां के सारे लोग हिंदू मुस्लिम अब किसान आंदोलन के साथ में हो गए। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात रखी है, वहां तकलीफें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन जब जब इस देश में संसद की गरिमा गिरती है तब तब जनतंत्र को सड़कों पर आना पड़ता है। अगर संसद अपना कार्य अच्छे से करती तो लोगों को सड़क पर आना नहीं पड़ता, उनकी बातों को संसद में रखा जा सकता था। लेकिन आज संसद ने अपनी गरिमा गिराई है और लोगों को सड़क पर आना पड़ा है, इस वजह से लोगों ने एकता दिखाई है। एक काफी चीजें हैं इन चीजों के पीछे। पिछले 20 सालों के अंदर एक नई चीज आई है हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं हमने चोरी को एक ऑथेंटिक वर्ड दे दिया है, प्रोफेशनलिज्म। आज आप देखेंगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर भी मार्केटिंग के बंदे रखे जा रहे हैं। अरे, बीमारी कोई सौदा नहीं है, बीमार होता आदमी मजबूरी में जाता है। तो एक जो चोर जिसको हम कहते थे, चोर शब्द होता था, गलत था, आज उसका एक पॉजिटिव शब्द आ गया, प्रोफेशनलिज्म। आज विजय माल्या भारत से 16,000 करोड़ आम जनता के जो बैंकों में पैसे थे, किसानों के थे, वो लेके भाग गया। लेकिन कितने लोग हैं जो उसे कहेंगे चोर, चाहे वो चोर ले गया, नहीं, वो बिजनेसमैन कहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन पहलुओं पे काम किया पिछले 20 साल में, इन्होंने 3 पहलू उठाए। पहला तो हिंदुस्तान को इतिहास में देखते हैं तो हिंदुस्तान के ऊपर जब भी आक्रमण हुआ तो हमेशा दरवाजा किसी ने अंदर से खोला है। ये इन्होंने बड़ी अच्छे से पढ़ लिया इस चीज को, और ये स्ट्रेटेजिस्ट जो आए हैं पिछले 20 साल में, राजनीति में भी स्ट्रेटेजिस्ट आ गए हैं, उन्होंने इसका पूरा यूज किया। दूसरी बात, इन्होंने देखा धर्म की, कि लोगों को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने 300 साल कैसे राज किया, इन्होंने धर्म का भी किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो किया धर्म जाति का, उसके बाद उस चीज को मीडिया के द्वारा फैलाया कैसा जाए, लोगों की मानसिकता की जाए। उसके बाद तीसरा चलन, जो पिछले 70 सालों में धीरे धीरे बिजनेसमैन ने कहा, पैसे को आदमी से बड़ा बना दिया, तो इन्होंने तीसरा फार्मूला भी कर लिया कि पैसे पे कब्जा करो, रिसोर्सेज पे कब्जा करो, ये सब तुम्हारे हाथ में है। तो ये सारी पॉलिसी खेलते हैं हिंदू मुस्लिम की बातें करते हुए, डिवाइड एंड रूल करते हुए, ये मीडिया से प्रचार करवाते हैं। उसके बाद भी वोट नहीं आती है जब इनकी, तो ये उसको एमएलए को खरीद लेते हैं, सांसदों को, दूसरे विधायकों को वो खरीद लेते हैं। तो इन्होंने एक पूरा नेक्सस बना दिया जिसे हम कॉरपोरेट नेक्सस कहेंगे। और जब ऐसा नेक्सस देश में बनता है, आज भी देखिए, इनको किसान के बिलों की चिंता नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा, दिल्ली में किले लगवाई, पुलिस लगा रखी है, आर्मी को बुला रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है वहां। तो सेना में जो जवान है वो किसान का ही परिवार का, किसान का बेटा है, भाई है।
आज भी ये सत्ता में बैठे, संसद में बैठे, सिर्फ ये खेल खेल रहे हैं। ये दोनों भाई लड़ते रहे, किसान और जवान को आमने सामने कर दो, तुम इस बात का फायदा उठाओ। ये जो शहीद हुए हैं, 260 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, ये किसान आम परिवारों के हैं जो देश के लिए हुए हैं। ये कहीं संसद के आदमी नहीं थे, इन्होंने संसद कभी नहीं देखी थी, लेकिन ये देश के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को लड़ते 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 आज यहां तक पहुंचे हैं। और इनकी अगर हम विचारधारा की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो 1930 में सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारत के ऊपर आपको लंबे समय तक राज करना है तो इसकी जो खेती किसानी आत्मनिर्भरता है उसको आपको 95% खत्म करना होगा। अगर मुगलों के समय भी देखें तो मुगल जब आए थे तो खेतों में नमक डाल देते थे ताकि यहाँ कुछ उगे ना और ज्यादा दास प्रथा चले। ऐसा ही ये कर रहे हैं कि जो किसान है देश में बहुतायत है, 100 करोड़ से ज्यादा किसानों की आबादी है, मजदूरों की आबादी है, ये चाहते हैं कि इनसे किसानी छीन के ये कॉरपोरेट्स के नीचे आए और ये आपके यहाँ जॉब करें। तो जब तक किसानी को खत्म नहीं किया जाएगा, सस्ते और सुलभ मजदूर उद्योगों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और उसी का ये फायदा उठाना चाहते हैं कि इसी तरह किसानी को खत्म कर दो और जो रिसोर्सेज हैं उन पे कब्जा करो। जैसे ही कोरोना काल आया, आपने देखा होगा, कोरोना में तीन ही चीजें सबसे ज्यादा डिमांड में थी, एक तो मास्क, एक सैनिटाइजर और तीसरा खाना। जो 1 रुपए का मास्क था वो 10 रुपए में बिका, कॉरपोरेट ने अच्छे पैसे कमाए। जो 10 रुपए का सैनिटाइजर था वो 100 रुपए में बिका, उसमें अच्छे पैसे कमाए। तीसरी जरूरत की चीज थी खाना, जो लोगों ने फ्री में खिला दिया। इन्होंने सोचा सबसे बड़ा नुकसान तो यही हो गया, और खाने में सबसे बड़ी चीज है मेजर जो ग्रेन है वो गेहूं है, जो उत्तर भारत में बहुत होता है, FCI भी स्टोर करती है तो गेहूं को सबसे ज्यादा करती है, प्याज और उसका भंडारण सरकार बहुत कम करती है। तो उसके ऊपर जो खाने में रोज यूज होता है और उसकी पूरी कॉस्ट आप देखेंगे 1 से 1.5 लाख करोड़ ही है, और अडानी को आज बैंकों ने फाइनेंस कर रखा है, वो पैसा भी हमारा ही है, बैंकों में किसानों का ही पैसा है, जो चाहे माल्या ले गया, चाहे नीरव मोदी और अब अडानी, उसको सेटिंग से उनके पास पैसा चला गया 5 से 6 लाख करोड़ बैंकों का। अब वो इस किसानों के पैसे से ही इसको पूरे को खरीदेंगे और फिर जब देश में कमी होगी अनाज की तो सरकार कहेगी हमें अनाज खरीदना पड़ेगा, लेकिन हम बाहर से नहीं, हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए इंडिया के व्यापारी से खरीदेंगे। वहां इनकी सेटिंग है, उसी अनाज को जो किसान से 19-20 रुपए में लेंगे उसी को भारत सरकार इनसे 50 से 100 रुपए में खरीदेगी, और लोगों को कितनी महंगाई जाएगी। और भारत सरकार किस पैसे से खरीदेगी, वो भी लोगों का ही टैक्स का पैसा, जो आज ये तेल का भाव इतना बढ़ाकर GST से, नोटबंदी से जो इतना ज्यादा कलेक्शन कर रहे हैं, ये कलेक्शन सरकार के लिए, देश के लिए नहीं हो रहा, ये पैसा देश हित के कार्यों में नहीं लगेगा, ये पैसा कहीं ना कहीं दोबारा से पूंजीपतियों को दिया जाएगा। ये इनका एक लंबा स्ट्रक्चर का प्लान है, और इस प्लान से बचने के लिए कहीं ना कहीं आज विपक्ष मजबूर है तो देश को उतरना पड़ा है। और जब देश सड़कों पर उतरता है, चाहे वो आजादी के आंदोलन में उतरा हो, और वो लड़ाई नहीं देखते कितनी लंबी चलनी है, 1857 से वो 1947 तक चली, तो आज देश का किसान इस चिंता में नहीं है लड़ाई कितनी लंबी लड़नी है, लेकिन उसे पता है इस देश को, आने वाली नस्लों को, फसलों को बचाना है तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे लड़ाई उनकी जान से भी ज्यादा कीमती है और कितनी ही लंबी लड़नी पड़े, लेकिन ये लड़ाई इस देश को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बातों को रखा, और मैं चाहूंगा कि इस सत्र को समाप्त करने के पहले यदि प्रदीप हुड्डा जी की बातों पे किसी को टिप्पणी करनी हो, और खास करके जो अभी तक न बोले हो, जिसमें लुबना सारवत है अगर आ गई हो, और मनोज ठाकुर जी हैं जो कलकत्ता से जुड़े हुए हैं, अंकित गोयल है
बॉबी है, कोई और अगर अपनी टिप्पणी करना चाहे तो इस समय आप करें ताकि हम अगले 5-10 मिनट के अंदर इस सत्र को समाप्त करें। मनोज भाई कुछ बोलेंगे कलकत्ता से? लुबना अगर आप आ गई हो? नहीं। मनोज भाई सुन रहे हैं? प्रदीप जी ने जो एक टिप्पणी की थी कि प्रोफेशनलिज्म आ गया है, जी जी जी, तो मतलब बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता वर्ड अब राजनीति के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है। भाजपा जहाँ कहीं भी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाती है या कुछ, तो उसका जो भाजपा के सपोर्टर जस्टिफिकेशन यही देते हैं कि अरे भाई वो एक राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति में तो ये सब होता ही है। मतलब इस तरीके की खरीद फरोख तोड़ फोड़ उसको भी जैसे एक प्रोफेशनलिज्म की तरह ही मान लिया गया है कि राजनीति में तो ये सब ओके है, इसमें क्या गलत बात है। तो ये बिल्कुल वही बात है जैसे आपने अभी कहा कि प्रोफेशनलिज्म चोरी शब्द को हटा के प्रोफेशनलिज्म कह दिया गया है, उसी तरीके से राजनीति जो एक बहुत पवित्र शब्द था अब वो उस शब्द का इस्तेमाल इस तरीके की नेक्सस वाला काम या ऐसे तोड़ फोड़ वाला राजनीति में काम उसको कहा जाने लगा है कि ये एक राजनीति का पार्ट एंड पार्सल तरीके से। नहीं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी तो इस बात में माहिर है कि वो भ्रष्टाचार के तरीकों का नियमितीकरण कर देती है। जो चुनावी चंदा देने वाली बात है इसको लुबना बार बार कहती है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला, मतलब ये तो गजब की चीज है कि कौन कंपनी किस पार्टी को कितना चंदा दे रही है ये हमें मालूम ही नहीं, जबकि इस देश में सूचना के अधिकार का कानून है लेकिन हम पूछ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने नियम ऐसा बना दिया है कि आप पूछ नहीं सकते। तो ये तो भ्रष्टाचार का नियमितीकरण है, जिस तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम में भंडारण की सीमा हटा ली गई है तो अब काला बाजारी नाम की चीज ही नहीं है। तो कहने को तो बीजेपी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया लेकिन उन्होंने असल में देखा जाए तो भ्रष्टाचार का नियमितीकरण कर दिया। राहुल राणा पूछ रहे हैं व्हाट इज द रीजन दैट इज बाइंडिंग दुष्यंत चौटाला टू रिमेन विद बीजेपी। आप हरियाणा से हैं प्रदीप जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए और फिर हम लोग समाप्त करेंगे कि आखिर कौन सी मजबूरी है कि दुष्यंत चौटाला अभी तक बीजेपी के साथ में है और इतना जबकि भारी विरोध हो रहा है, जनता का हो रहा है, उनकी अपनी खाप पंचायत का हो रहा है, उनका कोर वोट बैंक प्रभावित हो सकता है, क्यों उनके साथ में है? इसकी सबसे बड़ी चीज वही है संदीप जी, पैसा। आज के दिन कहीं ना कहीं अलायंस में भारतीय जनता पार्टी पूरा करप्शन की छूट देती है, पैसे की बात है। और हरियाणा में अभी 4 साल बचे हुए हैं चुनाव को, तो ये उन्हें पता है अगर वो वापिस खींचते हैं तो सरकार गिर जाएगी और दोबारा लोग वोट देंगे नहीं, उनकी सरकार आएगी नहीं। तो वो ये चाह रहे हैं जैसा भी हो, जैसा भी है, तुम आराम से पैसा खींचो और इंजॉय करो, अगली सरकार तुम्हारी आनी नहीं। और मैं ये बताना भी चाहूंगा और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि ये जो सरकार, चाहे कांग्रेस बीजेपी और जो नेताओं ने इसको व्यापारीकरण किया है, ये पूरे ही खत्म होने चाहिए। अगले चुनाव में निशान ना देखा जाए, बेशक मैं एक लोकदल पार्टी से हूं लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है तो कैंडिडेट को देखा जाए, निशान को ना देखा जाए, और वही कैंडिडेट आपका सच में विकास करेगा। जी, मुझे याद है जयप्रकाश नारायण ने दलहीन राजनीति की बात की थी, तो दलों का तो कोई जिक्र संविधान में है ही नहीं, तो कायदे से तो हरेक चुनाव क्षेत्र से जो वहां का सबसे बेहतर उम्मीदवार है वो चुन के आना चाहिए और फिर ये विधानसभा और संसद में तय होना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो आज की बहस को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। प्रदीप हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, ये हमारा सत्र रोज होता है और हम आपको भी इसका आगे भी आपको निमंत्रण भेजते रहेंगे, जब भी आपके पास समय हो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। जी, मैं जरूर होऊंगा लेकिन जब मैं बाहर होऊंगा तभी हो सकता हूं क्योंकि गाजीपुर में नेटवर्क समस्या की बहुत दिक्कत रहती है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी रोज शामिल नहीं हो पाता हूं, मैं भी शाम को कहीं निकल जाता हूं अक्सर, लेकिन आज मैं शामिल हो पाया और बहुत अच्छा रहा कि आपके साथ ये बहुत अच्छी बातचीत हो गई। चलिए,
बहुत 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 धन्यवाद सभी का सर। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आपकी बातचीत आगे कुछ नई राजनीतिक जमीन को खड़ा करेगी, कुछ नए किस्म की राजनीति इस देश में खड़ी हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।